एवरीवन, मैं विनय चंद्रा फिर से एक बार आपके लिए एक म्यूजिक के नया लेसन लेके आया हूँ। आज का जो हमारा लेसन है कॉर्ड के ऊपर डिपेंड है और हम उसमें करने वाले हैं 1 2 3 2 ऐसे करके। हमें एक एक्सरसाइज है हमारी, प्रैक्टिस करनी है हम इस चीज़ को और हमको सारी कॉर्ड्स बजानी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बार बताया था सी डी माइनर, उसके बाद ई माइनर, उसके बाद एफ जी ए बी और उसके बाद सी। तो ऐसे ही हमको आज एक नए लेसन की तरह इसको हमें सीखना है और इसको बजाने का एक तरीका होगा जो कि होगा 1 2 3 2 1 2 3 2 और आपको दोनों हाथों से प्रैक्टिस करनी है इसकी। अगर आपके पास कैशियो है तो कैशियो में आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। पहले हम राइट से करेंगे, फिर हम लेफ्ट से करेंगे और जिनके पास हारमोनियम है तो वो दोनों से कर सकते हैं या फिर वो राइट से 1 2 3 2 1 2 3 2 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉर्ड्स में ही हम कुछ फीलिंग लाएंगे और फ्लेवर टाइप्स उसको हम बजाने वाले हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सी कॉर्ड कैसे पकड़ना है, डी माइनर, ई माइनर, एफ, जी, ए, बी, सी। मैंने आपको बस यही प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। तो आज हम जो करेंगे उसमें हम करने वाले हैं कुछ अलग सा डिफरेंट टाइप का जो कि है 1 2 3 2। आपको हर कॉर्ड में उसको क्या करना है, 1 2 3 2 आपकी फिर दोबारा फिंगर्स कौन सी यूज होंगी, थंब, मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर, आपकी फिर दोबारा से ये तीनों फिंगर्स यूज होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सी कॉर्ड हम स्टार्ट करेंगे सी कॉर्ड से। तो मैंने सी कॉर्ड पकड़ ली है, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर हमारी 1 2 2 मेरी सीधा ई पे गई है और फिर उसके बाद जी पे, सी ई जी ई। अब आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ। ये तीन है जो ये सी कॉर्ड है आपको पता है, फिर उसके बाद डी माइनर, फिर है ई माइनर, एफ जी ए बी सी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा। तो मैं आ जाता हूँ अपने, हम सेकंड वाले ऑक्टेव में आ जाते हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मैंने कॉर्ड वही पकड़ी है सेम, जैसे कि हम पांच फिंगर रख देते हैं, 1 2 3 4 5 मैंने पांचों कीज में फिंगर रखी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड फिंगर और मेरी जो फोर्थ फिंगर है इनको मैं हटा देता हूँ, हटा दी। अब मुझे क्या करना है उसके बाद, 1 2 3 2 1 2 3 2 कौन सी फिंगर्स यूज हुई हैं, थंब, मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर। तो आपको फिर से एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 2 1 2 3 2 ठीक है। ऐसे ही करके आपको इसी जो मैंने ग्राफ बनाया अपने हाथ का उसी को डी में लेके जाना है और एक के ईज को आगे बढ़ा देना है, बिल्कुल फिंगर्स वही होंगी, बीच में ईज का गैप है 1 2 3 4 5 तो 2 एंड 4 को हटा दिया हमने, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 वैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे एक कीज। अब आपको समझ आ गया होगा, फिर एक और कीज आगे, फिर वैसे ही आगे, और फिर दोबारा हम सी पे आ गए। तो ऐसे ही हमको फिर से प्रैक्टिस करनी है एक और बार, फिर मैं एक बार कंटिन्यू बजा के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हम कौन सी कॉर्ड बजा रहे हैं, सी, डी माइनर, ई माइनर, एफ, जी, ए माइनर, बी माइनर, सी। अब आपको समझ आया, फिर इसी तरीके से आपको इन कॉर्ड्स को बजाना है अपनी
फिंगर्स और इसकी एक्सरसाइज करनी है। आप फास्ट अब आपको करना कितनी बार है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आपको मिडिल में आकर रुक जाना है, फिर इस पे आ जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, फिर मिडिल में रुक गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर मिडिल में रुक गए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके आपको रुकना है। हमें दो बार करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 दो बार, एक ही कॉर्ड को हमें दो बार बजाना है 1 2 3 4 और फिंगर्स क्या होंगी हमारी 1 2 3 2 1 2 3 2 ओके ये हमारी फिंगर्स होगी 1 2 3 2 ओके। अब आपको इसको जिनके पास कैशियो है वो डबल हैंड प्रैक्टिस भी करेंगे, तो डबल हैंड प्रैक्टिस में सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, आप बेस नोट्स ले लेंगे और फिर वही प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने आपको 1 2 3 आपकी फिंगर प्रैक्टिस हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज में काफी हेल्प मिलेगी, बजाने में काफी हेल्प होगी आपकी, तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है ओके। अब आपकी जो फर्स्ट फिंगर होगी तो आपकी लिटिल थंब से ही होगा, सी मिडिल फिंगर एंड थंब ठीक है, यहां से आपका थंब मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आपको एक एक व्हाइट कीज का गैप लेना है, आप ध्यान में रखना सी डी माइनर ई माइनर है। तो इसी तरीके से आपको जो आज का लेसन है इसकी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका वार्म अप हो जाता है और आपको बजाने में काफ़ी सहूलियत सी होती है और आपको बजाने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। और नई धुन है बिल्कुल, आप कहीं से भी कोई से भी ऑक्टिव से बजा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंद से मध्य से या फिर तीव्र से, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ओके। थैंक यू वेरी मच आज का लेसन देखने के लिए, और आप हम लोग आगे भी और एक्सरसाइज में आपको देता रहूँगा ऑनलाइन थ्रू, और इसकी आज प्रैक्टिस करें।